जय श्री कृष्णा, वेलकम टू स्नेहा किचन। आज हम कच्चे और पक्के दोनों आम का यूज़ करके बनाएंगे बहुत ही सॉफ्ट और चटपटे मैंगो थेपला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये हाफ कच्चा आम लिया है और मैंने इसके छिलके निकाल लिए हैं। अब हम पहले इसे ग्रेट कर लेंगे। मैंने आधे आम को ग्रेट करके तैयार कर लिया है। अब हम इसमें 1 कप गेहूं का आटा डालेंगे, साथ में 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई कोथमीर डालेंगे, 3 टेबलस्पून आमरस डालेंगे, 1 टीस्पून सफेद तिल डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, 1/4 टीस्पून हींग डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। इन सभी को पहले अच्छे से मिला लेंगे। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे और सॉफ्ट आटा बनाकर तैयार करेंगे। आटा अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसमें और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। पूरे आटे में अच्छे से तेल लगा लेंगे ताकि हमारा आटा है वो सूखे नहीं। अब हम आटे को ढक देंगे और 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे। 10 मिनट हो गई है, आटा है वो अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें से 1 पेड़ा निकाल लेंगे। अब हम इसे ड्राई आटे में डिप करेंगे और बेलकर तैयार करेंगे। हमने थेपला बेलकर तैयार कर लिया है। अब हम इसे गर्म तवे में सेक लेंगे। इसमें ऊपर छोटे छोटे बबल आ गए हैं और एक साइड से थेपला है वो अच्छे से पक गया है, तो हम इसे पलटा लेंगे। अब हम इसके ऊपर तेल लगा लेंगे। दूसरी साइड भी पलटा लेंगे, इस साइड भी तेल लगा लेंगे। थेपला दोनों साइड से अच्छे से सिक गया है, दोनों साइड में ऐसे गोल्डन डिजाइन आ गए हैं। अब हम इसे 1 प्लेट में निकाल लेंगे और ऐसे ही सारे थेपले बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी हमारा बहुत ही सॉफ्ट और चटपटे मैंगो थेपला बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें।